सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा रणधीर वर्मा चौक पर जन जागरूकता अभियान चलाया गया। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि नगर निगम या सरकार के द्वारा निर्मित शमशान घाटों को बहुत ही अच्छा और स्वच्छ बनाया गया है, परंतु शमशान घाट हो या कब्रिस्तान सरकार के द्वारा 4 से 5 करोड़ रुपए में बनाया गया, जहां पानी, बिजली, पार्क, शेड, जनरेटर इत्यादि सभी सुविधाएं उपलब्ध है। उसकी देखभाल जनता की जिम्मेवारी होती है तथा दीवारों पर कुछ ना लिखे, घरों के कपड़े इत्यादि को शमशान घाट में ना फेंके तथा जहां तहां पान, पराग, गुटखा, खैनी इत्यादि खाकर ना थूके। सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति के द्वारा सभी जनता से अपील किया गया कि सरकार के द्वारा सभी सरकारी संपत्ति जनता अपनी देखभाल करे, ताकि समाज को एक अच्छे संदेश तथा साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके, जिससे आने वाली पीढ़ी इस कार्य को बरकरार रखकर आगे की ओर अग्रसित हो सके। सरकार पर्यावरण को लेकर एवं शादी विवाह में दहेज प्रथा को लेकर तथा वैक्सीन की मुफ्त व्यवस्था को लेकर सरकार लोगों को जागरूक कर रही है तथा इस पहल को देखते हुए सर्वधर्म सामूहिक विवाह के द्वारा जन जागरूकता अभियान रणधीर वर्मा चौक पर तख्ती लेकर हर तरह का संदेश लोगों को जानकारी देने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा है। अभी कोरोना काल में हमेशा मास्क इस्तेमाल करें, बार बार की हाथ सफाई जरूर करें। आज हम लोग सर्वधर्म सामूहिक विवाह समिति की ओर से जन जागरूकता अभियान हम लोग यहाँ रखे हैं। इस अभियान के तहत हम सभी धनबाद वासियों को पूरे जो है इस झारखंड प्रदेश के वासियों को संबोधन करना चाहते हैं। इस सरकार के द्वारा बनाई गई कोई भी भवन हो, शमशान घाट हो, सामुदायिक भवन हो या रोड पर जितने भी प्रकार का जहां तहां कचरा ना फेंकने का, ये हम लोगों ने आज यहां पर एक पब्लिक को एक संदेश देना चाहते हैं कि सरकार जिस चीज़ को बनाती है क्या उसका इस्तेमाल करना हमें ही काम करना है, उसके साथ हमें ही रहना है। अभी गवर्नमेंट ने यहां पर जो है शमशान घाट जो है बहुत अच्छे तरीके से बनाई। शमशान घाट की स्थिति आज देखने को बनता है कि 4 से 5 करोड़ रुपया वो लगा लगा के शमशान घाट बनाया गया, लेकिन उस शमशान की स्थिति पुनः जो है पूरा गंदी होती जा रही है। लोग जा रहे हैं वहाँ पर अपने अपने जो है परिवार का जो है वाल पर जो है नाम लिख करके आ जाते हैं या वहाँ घर के कचरे को ले जाके फेंक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके बाद भी सभी लोग जाएंगे। गवर्नमेंट का काम है उसको बना देना, लेकिन पब्लिक का काम है उसको जो है स्वच्छ रखना। और भी है जैसे बिजली बचाओ पर हम लोग आज काम कर रहे हैं, पानी बचाओ पर है हमारा, पर्यावरण पर है, या हम लोग जो है सभी चीज़ों पर आज हम लोग इस पर जो है किए हुए हैं। पूरा अवेयरनेस पब्लिक को स्वयं होना चाहिए कि ये जो है गवर्नमेंट की संपत्ति को अपना समझे। सरकार के लिए भी एक हमारी जो है संदेश है, धनबाद जिला में आज लगभग 1 महीने से गया पुल के नीचे रोड जो है खराब है, जहाँ से लगभग 3 से 4 लाख लोग प्रतिदिन गुजरते हैं। सिर्फ 2 ट्रक जो है उसमें जो है माल की जरूरत है। अगर 2 ट्रक माल गिरा के अभी फिलहाल अगर उसको ठीक कर दिया जाए तो कम से कम लोगों का आना जाना जो है ठीक हो जाएगा, नहीं तो अभी लोग 2-2 घंटा जो है इस बारिश में जाम हो जा रही है और जिससे दिक्कत हो रही है। मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पर जो है कम से कम 2-4 दिनों में इसे कम से कम थोड़ा सा दुरुस्त कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर जो है इसका जो है पब्लिक को आने जाने में दिक्कत ना हो।